हेलो गाइस, वेलकम टू द स्टडी पॉइंट चैनल। आज हम बात करेंगे बैंड वैगन इफेक्ट के बारे में। बैंड वैगन इफेक्ट होता क्या है और व्हाट सिग्निफिकेंस डज इट हैव इन इकोनॉमिक्स, स्पेशली इन माइक्रो इकोनॉमिक्स। बैंड वैगन इफेक्ट एक बहुत ही शानदार टॉपिक है माइक्रो इकोनॉमिक्स का। बैंड वैगन इफेक्ट, द एग्जिस्टेंस ऑफ पॉजिटिव नेटवर्क एक्सटर्नलिटीज गिव राइज टू बैंड वैगन इफेक्ट। बैंड वैगन इफेक्ट कब होता है? जब पॉजिटिव नेटवर्क एक्सटर्नलिटीज हो। तो आगे बढ़ने से पहले हमें यह भी जान लेना चाहिए कि नेटवर्क एक्सटर्नलिटीज होती क्या है। नेटवर्क एक्सटर्नलिटीज एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें जो इंडिविजुअल की डिमांड है वो दूसरों के ऊपर डिपेंड करती है। दूसरे क्या परचेज कर रहे हैं, दूसरे क्या सर्विसेज यूज कर रहे हैं, उसी के ऊपर जो इंडिविजुअल्स हैं वो अपनी डिसीजन लेते हैं। जबकि वो उन्हें चाहिए भी नहीं होती वो चीजें, तब भी वो परचेज करते हैं। दैट इज बैंड वैगन इफेक्ट। बैंड वैगन इफेक्ट रेफर्स टू द डिजायर एंड डिमांड फॉर ए गुड बाय ए पर्सन हु वांट्स टू बी इन स्टाइल बिकॉज पोजेशन ऑफ गुड इज इन फैशन एंड देयरफॉर मेनी अदर्स हैव इट। बैंडवैगन इफेक्ट वॉज इंट्रोड्यूस इन इकोनॉमिक थ्योरी बाय दी हार्वे लेबस्टीन। बैंडवैगन इफेक्ट है, इसकी जो थ्योरी दी थी इकोनॉमिक्स वो दी थी हार्वे लेबस्टीन ने। बैंडवैगन इफेक्ट क्या होता है, इसे हम ग्राफ की मदद से और भी इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे। चलिए वाई एक्सिस पर लेते हैं हम प्राइसिस पर यूनिट एंड एक्स एक्सिस पे लेंगे हम क्वांटिटी डिमांडेड। तो ग्राफ पे हम देख सकते हैं कि जो D10 का डिमांड कर्व है वो D10 हमने क्यों डिनोट किया, क्योंकि जो 10,000 पीपल हैं वो डिमांड कर रहे हैं इनिशियली किसी भी गुड को, तो उसकी हमने डिमांड कर्व ड्रॉ कर दी, दैट इज D10। अब सपोज दैट वी हैव अंडरस्टैंड इन द बैंडवैगन इफेक्ट, क्योंकि ये पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज है, मोर द पीपल डिमांडिंग फॉर द गुड एंड द मोर इंडिविजुअल्स आर ट्राइंग टू बाय दैट गुड बिकॉज दैट गुड इज इन फैशन और इन ट्रेंड, दैट इज वाई मोर द पीपल स्टार्टिंग बाइंग दैट। And now the demand curve will be D10 or the quantity increased and the slowly this gap increased and it is shifting to the right. And now take the scenario of 30,000 people, when the 30,000 people are demanding that good, now the demand curve will be new and it will again shift to the right of the graph, then it is D30. And same as in the scenario of D40, when the 40,000 people are demanding for that good and more people are influenced by that demand or quantity demanded because that good or that trend is in fashion. अब समझते हैं कि bandwagon effect इसमें कैसे आया, जो कि right में shift होने की वजह से, demand curve की वजह से जो net shifting आई वो कि उसी को हम bandwagon effect कहते हैं, जो कि ये है। और जो प्योर प्राइस इफेक्ट होता है, प्योर प्राइस इफेक्ट क्या होता है कि प्योर प्राइस, क्योंकि हम हमेशा ओवरऑल सिनेरियो को ही देखते हैं, पर उसमें कुछ ना कुछ इंडिविजुअल्स की वो संख्या भी रही होगी जो कि प्राइस की वजह से उसको परचेज कर रहे हैं, जैसे कि प्राइसेस कम होंगे क्योंकि क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है, क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज हो रही है, जो कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है प्राइस, तो दैट इज व्हाई इट इज आल्सो इंक्रीजिंग द प्योर प्राइस इफेक्ट। एक्चुअली बैंड वैगन इफेक्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव नेटवर्क एक्सटर्नलिटी इन विच क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए गुड दैट एन इंडिविजुअल बाय इंक्रीजेज विद रिस्पॉन्स टू इंक्रीज इन द क्वांटिटी परचेज बाय द अदर इंडिविजुअल से। अगर बैंडवैगन इफेक्ट को मोटे तौर पर समझाते तो बैंडवैगन इफेक्ट वही होता है कि जिसमें पॉजिटिव नेटवर्क एक्सटर्नलिटीज हो। नेटवर्क एक्सटर्नलिटीज मैंने बताया कि नेटवर्क एक्सटर्नलिटीज वो होती हैं कि जो भी कोई इंडिविजुअल की डिमांड है और डिजायर है वो दूसरों से इफेक्ट हो, जो कि बाकी पॉपुलेशन है उससे इफेक्टेड हो, क्योंकि वो चीज फैशन में है उसे भी पॉजिटिव नेटवर्क एक्सटर्नलिटीज कहा जाता है, क्योंकि उसमें डिमांड इंक्रीज हो रही है उसे ही बैंडवैगन इफेक्ट कहा जाएगा। और इसे हमने ग्राफ की मदद से भी समझा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।